वेलकम इन फरहान फिल्म इन योर चैनल। आई एम फरहान सिद्दीक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडलिंग क्लासेस, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट मॉडलिंग जो करेंगे वो स्प्लाइन मॉडलिंग करेंगे। स्प्लाइन को पहले डिस्कस करेंगे, स्प्लाइन क्या होती है, लाइंस वगैरह। ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अगर आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया हो तो आप कर्व वगैरह बनाते हैं पेन टूल से, तो वही चीज़ जो है आपको यहाँ पर भी यूज़ करनी पड़ेगी स्प्लाइन से। स्प्लाइन मॉडलिंग होती है, हमारे पास पॉलीगॉन मॉडलिंग होती है, सब डिवीजन मॉडलिंग। स्प्लाइन को दूसरे सॉफ्टवेयर में नर्व्स मॉडलिंग भी कहते हैं, जिस तरीके से माया वगैरह में, और यहाँ पे जो है वो स्प्लाइन मॉडलिंग कहते हैं। स्प्लाइन मॉडलिंग करेंगे, जब हमारी स्प्लाइन मॉडलिंग कवर हो जाएगी उसके बाद हम लोग पॉलीगॉन मॉडलिंग पर जाएंगे, पॉलीगॉन सब डिवीजन मॉडलिंग, ताकि उसमें आपको दोनों तरीके से मॉडलिंग आ जाए। फर्नीचर आपको बनाना हो, दो किस्म की मॉडलिंग होती है, ऑर्गेनिक मॉडलिंग और इनऑर्गेनिक मॉडलिंग। ऑर्गेनिक मॉडलिंग में आप जो है कैरेक्टर्स वगैरह बिल्ड करते हो, इनऑर्गेनिक मॉडलिंग में आपकी जो है जो नॉन लिवेबल जो लोग हैं, यानी फर्नीचर हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, इस किस्म की जो मॉडलिंग होती है वो आप नॉन ऑर्गेनिक में आता है। मोस्टली अगर आप इंडस्ट्रियल साइट पे हैं तो इंडस्ट्री मॉडलिंग होती है, वहाँ पे आपको आर्किटेक्चर मॉडल करना पड़ता है, घर वगैरह, फर्नीचर वगैरह, इस किस्म की। मूवीज़ के अंदर आप कैरेक्टर वगैरह बिल्ड करते हैं तो वो मोस्टली जो है बंदा जो होता है वो कैरेक्टर ही बना रहा होता है। काव हो गई, फ्रॉग हो गए, इस किस्म के जितने भी एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, वो ऑर्गेनिक मॉडल बना रहा होता है, और नॉन ऑर्गेनिक मॉडल जो है आपकी प्रोडक्ट मॉडलिंग कर रहा होता है। तो दोनों में जो है एक्सपर्टीज चाहिए होती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। एक दिन में आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है, या आपको दो दिन में करना पड़ता है, या कम से कम करना पड़ता है, और जितना रिफाइंड काम होता है वही जो चीज़ जो है आगे बिकती है। आप ये नहीं करते कि आप कुछ भी आपने बना लिया और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं, जैसे पॉलीगॉन मॉडलिंग में टोपोलॉजी देखी जा रही होती है, टर्मिनोलॉजी इसमें देखी जा रही होती है कि ये जो मॉडल बनाया है इसमें मटेरियल लग सकता है, लाइटिंग इसमें हो सकती है, इसमें अगर कोई बंदा रिगिंग करेगा तो इस मॉडल में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो जो मॉडलर जो होता है वो एक्सपर्ट होता है इन चीज़ों में, वो हर चीज़ को सोच रहा होता है कि ये मैं मॉडल कर रहा हूँ, इसकी जो टोपोलॉजी होगी, इसमें जो लाइट पड़ेगी, फोटोन जो पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से जो है उसके पॉलीगॉन सेट होते हैं, उसी हिसाब से उसकी टोपोलॉजी सेट होती है। एक सीन में जो है कितने पॉलीगॉन्स हैं, 1 मिलियन हैं, 2 मिलियन हैं, कुछ हज़ार हैं या कुछ लाख हैं, तो उसी हिसाब से जो सीन हैवी होता है। तो जो आपका जो सीनियर मॉडलर होता है और उसके नीचे जूनियर मॉडलर्स होते हैं, तो वो सीनियर मॉडलर जो चेकर होता है आपका, वो सारी चीज़ें देख रहा होता है कि इसकी टोपोलॉजी सही होनी चाहिए, वो फिर चेकिंग कराता है लाइटिंग रेंडरिंग डिपार्टमेंट से कि इस मॉडल में लाइट हो सकती है क्या नहीं हो सकती, रिगिंग हो सकती है क्या नहीं हो सकती, फिर तो उसका रेंडर टेस्ट होता है जिसको लुक एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ये सारी चीज़ें मॉडलिंग प्रोसेस में देखी जा रही होती है। मॉडलिंग प्रोसेस आपका कवर हो जाता है तो उसके बाद जो है मटेरियल, रिगिंग, लाइटिंग और दूसरे जो है वो प्रोसेस में हम लोग जा रहे होते हैं। हम सैन्यो 4D को अभी जो है मॉडलिंग कर रहे हैं, आप मॉडलिंग में एक्सपर्ट होंगे, उसके बाद मटेरियल करेंगे, लाइटिंग करेंगे, रेंडरिंग, फिर दूसरी जो इंटीग्रेशंस हैं, एनिमेशंस वगैरह, मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड, VX से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे होंगे। आज से जो है हम लोग स्प्लाइन मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद जो है हम फर्दर पॉलीगॉन मॉडलिंग वगैरह पे जाएंगे। आ जाइए, देखिए जब आप इसको खोलते हैं तो अगर आपके पास इस तरीके से मेन्यू नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर जाएंगे स्टार्टअप में। अगर आपके पास इस तरीके से आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे जाके एनिमेट के पे जाके स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दें तो आपके पास जो है इस तरीके से आ जाएगा। ये लेआउट्स हैं, डिफरेंट लेआउट्स हैं, जब हम इसको आगे देख रहे होंगे तो इस चीज़ को देखेंगे। आज हम लोग करेंगे स्प्लाइन को डिस्कस। ये स्प्लाइन हमारे पास जो है टूल है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये अलग से हो जाएगा। ये पेन टूल है, पेन टूल जो है आपने इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, इवेंट के आफ्टर इफेक्ट वगैरह में देखा होगा, तो बिल्कुल ये वही चीज़ है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। क्लिक किया मैंने, ये नो हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये जो है ये मेरे पास क्लिक हो सकता है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मूव करूँगा तो ये दोनों साइड से मूव हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये एक साइड से होता है। मुझे यहाँ पॉइंट्स लगाने हैं तो मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये पास देखें यहाँ पूरी जो है चीज़ दे रहा है इक्वल राइट। यहाँ पर है क्रिएट पॉइंट, क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे मैं सिंपल पॉइंट लगा देता हूँ और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मूव हो रहा होगा। शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये अलग अलग है।
इसी तरीके से राइट क्लिक करूंगा मैं अगर, तो क्रिएट आउटलाइन करता हूं, तो ये देखें इसको आउटलाइन बना दे नीचे की तरफ आगे की तरफ, तो आप इसको देख सकते हैं। यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये है स्केच, स्केच जो है आप इसको रफली ड्रॉ कर सकते हैं, तो रफली ड्रॉ हो जाएगा। कितना आपको रेडियस चाहिए, कितना स्मूथ चाहिए, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखें ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास ये स्प्लाइन स्मूथ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको मैं स्मूथ करता हूँ क्योंकि ये स्मूथ का ऑप्शन है। इसको अगर मैं फ्लैटन करता हूँ तो ये देखिए फ्लैट करेगा। इसी तरीके से मैं रैंडम करूँगा तो ये रैंडम करेगा। ये बहुत ज़्यादा कर रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखें पुल में इसको पुल करेगा चीज़ों को। ये मॉडलिंग जब आप बना रहे होते हैं उन चीज़ों के लिए काम आ रहा होता है। स्पाइरल करेगा इसको। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ये है स्प्लाइन आर्क टू, इसको मैं क्लिक किया यहाँ पे लगाया, यहाँ क्लिक किया शिफ्ट, तो दोबारा जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको बड़ा बड़ा करेगा और छोटा आर्क देगा। क्लिक किया तो खुद ब खुद जो है वो आपको आर्क दे देगा। आपने इसको क्लिक किया तो दोबारा ये देखें इसको इतना कर दिया आपने, दोबारा कर दिया। इसी तरीके से आप यहाँ चले गए, यहाँ आ गए, ये देखें ये एंगल जो है खुद ब खुद जो क्रिएट हो रहा है, बड़ा छोटा ये आपकी मर्जी है, आप इसको बड़ा बनाते हैं छोटा करते हैं। स्केप कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए ये आपकी डिज़ाइन बन गया। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है टूल्स हैं, आर्क हैं, ये आर्क बना देगा। और इसमें जो है ये आपको सिलेक्टर चाहिए, सेगमेंट चाहिए, रिंग चाहिए, और उसकी यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, इनर से भी आउटर से भी। इसी तरीके से जो एंगल है आपको इस तरीके से चाहिए, तो ये मॉडलिंग में काम आता है। ये प्लान है, ये एक्स और वाई में जो है इसकी ओरिएंटेशन है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जेड और वाई और एक्स और वाई। ये देखिए जो एक्स और वाई में चाहिए इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये रेंडर के लिए काम आता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अडेप्टिव रहने दें इसको बाई डिफ़ॉल्ट। इसी तरीके से हमारे पास सर्किल है, सर्किल को क्लिक किया मैंने, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, एलिप्स, रिंग को मैं कर दूंगा छोटा बड़ा, इनर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। एलिप्स में किया तो आप देखिए ये थोड़ा सा सर्किल से चेंज हो गया है, और दूसरा हमारे पास ऑप्शंस भी यहाँ पे आ गए। क्लिक करूँगा मैं दोबारा से सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से वही जो हमारे पास जो है प्लानर ऑप्शंस हैं, ये हेलिक्स है, इसको मैं चेंज करता हूँ, ये देखें चेंज हो गया। यहाँ पे आप इसको रेडियस बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, और इसको भी आप एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ उसको, रिंग्स बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ी हाइट बढ़ा दी और इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये सब जो है अभी अगली क्लासेस में जो है काम आने वाले हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन हैं इसके अंदर और ये क्या क्या काम कर सकते हैं। ये एंड साइड है, इसके भी वही ऑप्शन हैं, आपको 4-5 करना है, 6 करना है, और ये रेडियस है। राउंड करेंगे तो ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर राउंड हो जाएगा। राउंड हटाएंगे, हट जाए, राउंड करेंगे, और कितना बड़ा करना है आपको, कितना छोटा करना है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। रेक्टेंगल हमारे पास आ गया, इसमें भी राउंड है, कितना छोटा कितना बड़ा करना है, और यही वो रेडियस। इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं।
स्टार स्टार कितने चाहिए, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, ट्विस्ट, आउटर इनर कितना बड़ा होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है आप ऑप्शन हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये टैक्स है, जो कि आपके पास आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मोस्टली मोशन ग्राफिक्स में। यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं, फरहान लिखा मैंने, यहाँ से जो है आप जो है फाउंड को चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी इसकी चेंज हो सकती है लेफ्ट और राइट, इसकी हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं छोटा बड़ा, इसकी स्पेसिंग वही चीज़ है जो आप आगे पीछे करते हुए आए हैं फोटोशॉप में या आफ्टर इफेक्ट वगैरह में। इसकी वर्टिकल स्पेसिंग अगर ज़्यादा लाइंस होंगी तो उस पर जो है वो देखिए ये जो है, और ये एनिमेट भी हो सकते हैं। इसके अंदर मैं आता हूँ, ये कर्निंग है, ये ट्रैकिंग है इसकी, इसको आप जो है चेंज कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। दूसरा ये वही प्लानर है, किस तरीके से जो है इसको रखा जाए। दोबारा हमारे पास और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे फ्लावर्स वगैरह हो गए, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनर और आउटर उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है लाइन है, अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आएगा, तो उस चीज़ के लिए हमको करना पड़ता है एक्सट्रूड। ये है एक्सट्रूड, जब जैसे ही मैं इसको एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पे इस फ्लावर्स को इसके साथ इसको पैरेंट करना पड़ेगा, तो उसको मैं ड्रैग करूँगा और इसके साथ डाल दूँगा। जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो देखें ये 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो अब मुझे ये नज़र भी आएगा। एक्सट्रूड के पास हमारे पास जो है ये ऑप्शंस हैं, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, इसकी डेप्थ। कैप में आऊँगा अगर मैं, तो यहाँ पे कैप दिया हुआ है, इसको नन करूँगा तो ये देखेंगे इसकी कैप हट गई है। इसको भी नन करता हूँ तो देखें ये होल इसका आ गया। इसी तरीके से मैं फिल करूँगा तो ये फिल होगा और कैप नहीं होगा, दोनों में करता हूँ फिल और कैप, फिलिट और कैप, फिलिट करता हूँ तो ये आप देखें यहाँ पे जो है ये राउंड आ गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट 3D के अंदर शार्प एज उसकी नहीं होती, हमेशा जो भी आप बनाएंगे उसके अंदर जो है ना इसका राउंड होना चाहिए। तो फिलिट कैप करा मैंने, बहुत ज़्यादा है ये, इसको मैं कर दूंगा 1 और इसको मैं कर दूंगा स्मूथ। ये देखें कितना स्मूथ हो गया। अब जो भी इसके अंदर लाइट्स वगैरह आएगी वो बड़ी अच्छे से इसको शाइन करेगी। ये देखें पीछे जो है वो नहीं है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊँगा, फिलिट कैप 1 और स्पाइन दे दूंगा मैं 3। रेंडर करता हूँ तो देखें ये रेंडर भी होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, एक्सट्रूड करूँगा और वापस मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर लिया है, एक्सट्रूड हो गया। जैसा मैंने बताया था कि शार्प एज नहीं होती, तो एक्सट्रूड के लिए मुझे इसको बेवल करना पड़ेगा 3, बहुत ज़्यादा है, इसको मैं 1 कर देता हूँ और वही चीज़ जो है इसको 3 कर दी। अब यहाँ पे मज़ीद मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको मैंने क्लिक किया, कॉन्वेक्स है, लीनियर, तो ये लीनियर शो करेगा, कॉन्वेक्स जो हम लोग अभी देख चुके हैं, कॉन्केव ये अंदर से देखें ये चीज़ ये आ रही है। मोस्टली अगर आप टेबल वगैरह बनाएंगे, कोई फर्नीचर वगैरह, तो उसके लिए इस किस्म की चीज़ें आनी पड़ेंगी। हाफ प्लेट ये हाफ करेगा, ये देखें थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ ताकि आपको
मालूम चल जाए क्या हो रहा है। वन स्टेप देखेंगे, इसने इस तरीके से टेक्स्ट बनाया है, नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे लाया और इसको जो है मैं थोड़ा सा रेडिश में लेके आ जाऊँ। इसी तरीके से सेकंड स्टेप, तो दो जो है ये क्रिएट करेगा चीज़ों को, वन टू थ्री, इनग्रेव करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, मैं इसको कॉन्वेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो जो मर्ज हो रही है, तो इसको आप जो है चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट कर देंगे, कंस्ट्रेंट करेंगे तो ये खुद ब खुद स्पेस इसके अंदर लेकर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे जो है एक्सट्रूड तो कर लिया, मतलब आपने ये एक्सट्रूड कर दिया, आप इस तरीके से यहाँ पर आए, सर्किल में आ गए आप, सर्किल में जिस तरीके से मैंने बोला था कि रिंग कर दें, और रिंग को मैं थोड़ा सा जो है इस तरीके से कर देता हूँ, और इसको मैं एक्सट्रूड भी कर दिया मैंने, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लाया और एक्सट्रूड हो गया। ये देखिए, अगर आपके पास लोगो आता है क्लाइंट का जो इलस्ट्रेटर वगैरह में होगा, तो उसकी जो इलस्ट्रेटर फाइल होगी उसको किस तरीके से हम एक्सट्रूड करेंगे, तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेटर पे जाना होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लोगो यहाँ पे आया हुआ है, ये देखें ये लोगो है, इसको मैं सेव करूँगा, लोगो सेव, और यहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो इलस्ट्रेटर सीसी में मत करिएगा, आप करेंगे इलस्ट्रेटर 8 में, इलस्ट्रेटर 8 ओके करता हूँ मैं, ओके हो गया। अब मैं अपना सिनेमा 4D में आया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फाइल मर्ज ऑब्जेक्ट, मर्ज ऑब्जेक्ट में आता हूँ मैं, लोगो ओपन, लोगो ओपन में आया, यहाँ पे जो है ये कनेक्ट स्प्लाइन आ रहा है, इसको आप कनेक्ट स्प्लाइन करेंगे और स्केल वन करेंगे, ओके करता हूँ मैं, तो मेरे पास जो है यहाँ पे लोगो आ गया लेकिन सेंटर में नहीं है, 0-0 किया और सेंटर में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, जूम करके और ऊपर ले लेता, इस तरीके से मेरे पास ये एमलेट्स आ गए। अब जो ये जो है ये अलग अलग देखें कितनी कितनी सारी जो है इलस्ट्रेटर फाइल आई है इसमें, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ 7 तक, ये पूरा है, इसको मैं एक एक स्पाइन बनाना चाह रहा हूँ, तो आया आप राइट क्लिक करके कनेक्ट ऑब्जेक्ट कर दें या कनेक्ट ऑब्जेक्ट और डिलीट, और आप ऑब्जेक्ट में आएंगे अगर तो वहाँ पर भी यही है कनेक्ट ऑब्जेक्ट, कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट करें और यहाँ से जो है आप इसको लीनियर कर दें। अब देखिए एक हो गई, दूसरा आप इधर आए, इन सब को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, अब देखिए ये जो है आपका टेक्स्ट बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो उसको यहाँ पे आएंगे और नन कर दें, दोनों जो है अलग अलग हो गई हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, इलस्ट्रेटर एक्सट्रूड, इसको मैं इसमें ले आया अलग से, एक और एक्सट्रूड, और ये एक्सट्रूड जो है इसके अंदर जाएगा। ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने, इसको मैं इसमें देता हूँ और इस वाले को मैं ये देता हूँ, कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखिए अलग अलग जो है एक्सट्रूड हो गए। बाकी ऑप्शंस जो हैं वही हैं, आप इसको एक्सट्रूड को दोबारा जो है इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लिट कैप करके, टू करके और इसको थ्री, इसी तरीके से आप जो हैं
यहाँ पे टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। ये मटेरियल क्लास नहीं है, सिंपल जो है सिर्फ मॉडलिंग पे फोकस है। तो डिफरेंट कितना कलर होना चाहिए और किस तरह के, वो हम आगे जाके जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो था स्प्लाइन था, स्प्लाइन में कितना आर्क होता है, क्या पेन होता है, क्या उसके एक्सट्रूड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, और इम्पोर्ट किस तरीके से करते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर से। तो ये थी स्प्लाइन मॉडलिंग के ऑप्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम उसको फर्दर जो है स्प्लाइन को आगे लेके चलेंगे, लैथ, लॉफ्ट, स्वीप और जो दूसरे ऑप्शंस हैं स्पाइन के। तो आगे जाके जो है मॉडलिंग में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।